मंगलवार को कन्नौज में प्रेस वार्ता रखकर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा और एसडीओपी ज्योति उमट ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई 2022 को मुखबिर की सूचना पर 52 किलो 112 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 10,05,000 रुपए बताई जा रही है। गुराड़िया फाटा साता तलाई रोड पर खड़ा एक व्यक्ति की सूचना मुखबिर को प्राप्त हुई थी। वह देवास जिले में गांजे की तस्करी कर सप्लाई करता है, जिसे थाना प्रभारी नेमावर ने बल से साथ घटनास्थल पहुंचकर देखा गया, जहां पर व्यक्ति 2 प्लास्टिक की बोरी लेकर खड़ा था। वहां पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोविंद पिता मिसीलाल तवर निवासी मेल पीपलिया थाना खातेगांव बताया। उक्त व्यक्ति के पास से 2 बोरियों को चेक करने पर 5 पैकेट मिले, जिन्हें खोलकर देखा तो उसके अंदर गांजा भरा हुआ था, जिसका वजन करने पर 52 किलो 212 ग्राम निकला, जिसकी कीमत 10,05,000 रुपये बताई गई है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। श्रीमान, ये पूछना चाहेंगे कि ये गांजा कहाँ से और कितना बरामद किया गया? थाना नेमावर थाना प्रभारी नेमावर को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बॉर्डर से गांजा इस क्षेत्र में आता है, ऐसी मुखबिरी उन्हें लगातार प्राप्त हो रही थी। 30 मई को उन्होंने मुखबिरी लगाई थी, ये सूचना मिली थी कि गुराड़िया फाटा के पास एक व्यक्ति खड़ा है। जब वहाँ टीम पहुँची तो एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में 2 बोरियाँ थी। जब उसको तलाशा गया तो उसमें गांजे के 5 पैकेट पाए गए। व्यक्ति का नाम पूछा गया तो वो गोविंद तंवर नाम का था, जो मेल पिपलिया खातेगांव का रहने वाला था। ये कुल जो गांजा है वो 52 किलो 100 ग्राम के लगभग है, जो करीब 10,05,000 रुपये कीमती है। इसमें हम आगे और पूछताछ कर रहे हैं और इसमें एसडीओपी ज्योति उमट और थाना प्रभारी राजा राम बस्करे अपनी पूरी टीम के साथ इसमें लगे हुए हैं। जो भी आगे इसमें अपडेट आएगा उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। और नशे के विरुद्ध देवास पुलिस प्रशासन लगातार कटिबद्ध है और आगे यह कार्रवाई जारी है। जो गांजा पकड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।